मलेशिया की सिटी कुआलालंपुर में गुज़िश्ता दिनों ताजिर इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें कुआलालंपुर और अतराफ के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी और बिजनेस कम्युनिटी से वाबस्ता इस्लामी भाइयों समेत मकामी आशिकान रसूल और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी भी शरीक हुए। तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से ताजिर इज्तिमा का आगाज किया गया, जबकि रुकने शुरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के ईसार के वाकयात बताते हुए खुद गर्जी से बचने और अपने मुसलमान भाइयों के साथ ईसार करते रहने की तरगीब दिलाई। निज रुकने शुरा ने शुरका इज्तिमा को असलाफ बुजुर्गान दीन के तर्ज अमल के मुताबिक जिंदगी बसर करने और दीनी कामों में हिस्सा लेने का जहन भी दिया। सुन्नत भरे इज्तिमा के इख्तिताम पर रुकने शुरा ने दुआ भी करवाई। भी मकफरत करना, हम सब जिंदों को भी बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, जो जो भी हमारे मलेशिया के आशिकान रसूल हैं इन सब पर भी अपना खास फजल करम फरमा, तकलीफें दूर फरमा, जिनके घरों में कोई बीमार है मौला उन्हें भी शिफा अता फरमा, या अल्लाह पाक सब पर रहमत फरमा, हमारे मरीजों को शिफा अता फरमा। दूसरी जानिब कुआलालंपुर में ही बिजनेस कम्युनिटी से वाबस्ता इस्लामी भाइयों से रुकने शुरा की मुलाकात होने की दावत का सिलसिला भी हुआ, जिसमें रुकने शुरा ने मौजूद इस्लामी भाइयों को दीनी माहौल से वाबस्ता होने और अपनी औलाद की दीनी माहौल के मुताबिक तरबियत करने का जहन दिया और गुनाहों से बचते हुए नेक अमाल करने का जहन भी दिया। नीज गुनाहों से बचते हुए नेक अमाल करने की तरगीब भी दिलाई। इख्तिताम पर रुकने शुरा ने दुआ भी करवाई।